नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में मूल निवासी समाज पार्टी के 69 आजमगढ़ सदर लोकसभा प्रत्याशी महेंद्रनाथ यादव ने छतवारा स्थित बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपने चुनाव प्रचार का अभियान शुरू किया। इसी के साथ साथ इस मौके पर उत्तर प्रदेश प्रभारी दीपक राज, जिला अध्यक्ष आजमगढ़ पप्पू राजभर, विधानसभा सदर अध्यक्ष मुन्ना यादव, विधानसभा सदर प्रभारी राम आशीष चौहान तथा जिला प्रभारी राकेश यादव मास्टर साहब के साथ साथ अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मूल निवासी समाज पार्टी के प्रत्याशी महेंद्रनाथ यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जो लोग दौलत के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं, उनको चुनाव में भारी शिकायत दी जा रही है, क्योंकि 99% आबादी गरीबों की है। अमीर हारेगा, गरीब चुनाव जीतेगा। वहीं उस पर महेंद्र यादव जी ने जात बिरादरी से ऊपर उठकर सभी को वोट डालने के लिए कहा। उन्होंने एक नारा भी दिया और कहा कि बाहरी भगाओ, आजमगढ़ बचाओ। महेंद्रनाथ यादव को सांसद बनाकर रमाकांत यादव और आजम खान को बाहर लाओ। एक तरफ से ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन में, आप भी राजभर समाज से आते हैं। राजभर समाज क्यों इतना उपेक्षित माना जाता है और क्या दायित्व तो राजभर समाज को आज तक क्यों हक नहीं मिला? किन बातों को लेकर आपने यह पार्टी खड़ी? देखिए, पहली बात तो मैं एक जात विशेष की पार्टी नहीं चला रहा हूँ। हमारी पार्टी की सीधी सी लड़ाई है एक वर्ग के पक्ष में, वर्गीय संघर्ष की लड़ाई है। समाज में मात्र दो वर्ग है, एक गरीब है तो दूसरा अमीर, एक शोषक है तो एक शोषित है। प्रत्येक जात में सामंत पैदा हो गए और वो सामंत अपनी जात के ही लोगों का, गरीबों का शोषण कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर बिरादरी में एक सामंत हुए, सामंत हैं वो, राजभर गरीब राजभरों का शोषण कर रहे हैं। वो 20,000 करोड़ के मालिक हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। दौलत का उन्होंने पहाड़ खड़ा किया। क्या उन्होंने भट्टे पर काम किया था, राजगीर का काम किया था, कौन से इसी काम किया था? एक विधायक की निधि कितनी है, एक मंत्री क्या पाता है, आप लोग जानते हैं, पत्रकार हैं। इतनी बड़ी दौलत का पहाड़ कैसे खड़ा किया? तो उन्होंने ब्लैकमेलिंग किया समाज का, राजभर समाज को आरक्षण नहीं मिलने दिया। अभी रिसेंट में अमित शाह जी आरक्षण देने, दबाव था समाज का, देने जा रहे थे, उन्होंने जाकर के सौदा कर लिया, कहा कि हमारे बेटे को संसद जी का टिकट दे दीजिए, मुझे मिनिस्टर बना दीजिए, MLC बना दीजिए और वोट की गारंटी मेरी है। तो राजभर समाज को तो उन्होंने बेच दिया। गरीब राजभर के पास खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, पढ़ना चाहता है तो जो है कापी किताब फीस नहीं। आज मुट्ठी भर संपन्न राजभर बहुत बड़ी आबादी गरीब राजभर का शोषण कर रहा है। तो लड़ाई समाज में शोषक और शोषित की है। मैं ये बात का, इस बात का खुलासा कर समाज में कर रहा हूँ और इसीलिए लोगों को मैदान में उतारा हूँ कि प्रत्येक जात के जो मठाधीश हैं, जो शोषक हैं, अपनी जात के ही लोगों के शिकार हैं। किसी जात की दूसरी जात से लड़ाई नहीं है, राजभर की यादों से लड़ाई नहीं है, राजभर के जो है ठाकुर से लड़ाई नहीं है, यादव की ठाकुर से लड़ाई नहीं है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर का बयान क्या था? वही ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया था कि जो है यादव समाज के बारे में गलत बयान दिया, कभी ब्राह्मण समाज के बारे में, कभी ठाकुर समाज के बारे में गलत बयान दिया, कभी मंदिर के बारे में गलत बयान दिया, कभी कुछ। उनकी बात तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया। पत्रकार लोगों ने पूछा, क्या आपको शर्म नहीं आती अपनी बातों पर? कहने लगे, मुझे शर्म नहीं आती, मैं तो बेशर्म हूँ। तो जो राजनीति में इतने नीचे गिर गया हो उसको शर्म लिया, इसकी जात बात का कोई वैल्यू नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, वो समाज का क्या भला करेगा? तो वो उनका पूरी तरीके से पर्दाफाश हो गया है। और जितने भी संजय निषाद हैं, वो अपना निजी विकास कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, अपना निजी विकास कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर अपना निजी विकास कर रहे हैं। मार्क्स ने कहा था कि समाज में उभरती हुई प्रतिभाएं को जब शोषक वर्ग आत्मसात कर लेता है तो लंबे समय तक समाज का शोषण करता है, गरीबों का। ये उभरती हुई प्रतिभाएं थी,
इनसे समाज को उम्मीद थी, गरीबों को उम्मीद थी कि यह लोग जो है क्या करेंगे, समाज का उत्थान करेंगे, गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन ये लोग तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आजमगढ़ से महेंद्रनाथ यादव जी प्रत्याशी हैं, ये जीत रहे हैं, और जीत कैसे रहे हैं, एकदम क्लियर लाइन है, 99% यहाँ पर गरीब तबका है, न पढ़ने की व्यवस्था, न स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था, न रोजी रोजगार की व्यवस्था। आए हैं लोग वोट मांगने के लिए, भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म के नाम पर वोट मांग रही है, जातिवादी पार्टियों से गठबंधन करके और अपने धार्मिक उन्माद पैदा करके इस तरीके से पैक्ट करके समाज को बेवकूफ बना करके वोट लेना चाहते हैं। तो गरीबों की लड़ाई जो लड़ेगा वो जीतेगा, गरीबों के साथ हम हैं, और महेंद्रनाथ यादव जी प्रत्याशी हैं, ये जीत रहे हैं, और बाकी जो बाहर से आए हुए हैं और जो भी हैं समाज का जात के आधार पर, धर्म के आधार पर समाज को गुमराह करने का काम किए, वो अपनी पर्दाफाश होगा, वो हारेंगे, हम लोग जीतेंगे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।